नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आयुर्वेद रत्न में। दोस्तों, सौंफ एक स्वादिष्ट पदार्थ है जिसे लोग मुंह का स्वाद बढ़ाने के लिए और माउथ फ्रेशनर की तरह इस्तेमाल करते हैं। दिन भर की भागदौड़ एवं बढ़ते तनाव की वजह से शरीर में हार्मोन्स असंतुलित यानी कि इम्बेलेंस हो जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि सौंफ हार्मोन्स को संतुलित भी कर सकता है? सौंफ का सेवन करना हार्मोन्स के लिए बहुत फायदेमंद होता है। कई सारे लोग सौंफ का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इससे होने वाले फायदों के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि सौंफ का इस्तेमाल लोग सदियों से कर रहे हैं और हमारे देश में तो नहीं पर ग्रीस और रोम में इसका इस्तेमाल कई तरह की चिकित्सा और भोजन में भी किया जाता था। लेकिन आज हमारे देश में भी इसका सेवन काफी मात्रा में हो रहा है क्योंकि इसमें काफी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। मनुष्य सौंफ के सेवन करके काफी सारी बीमारियों से निजात पा सकता है। इसके द्वारा कई सारी शारीरिक परेशानियों से बचा जा सकता है, जैसे हार्मोन्स को संतुलित करना, पाचन शक्ति को सही करना, मुंह की दुर्गंध को रोकना, मुंह के छालों से राहत पाना, त्वचा में ग्लो लाना, आंखों के लिए लाभकारी साबित होना, सर्दी जुकाम में मददगार, गठिया रोग से निजात पाने के लिए, गुर्दे की पथरी में राहत पाना, वजन कम करने के लिए, हृदय रोग में राहत पाना, इस तरह के कई सारे शारीरिक परेशानियों से राहत पा सकते हैं। तो इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि सौंफ खाने से मानव के स्वास्थ्य को क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो आइए जानते हैं सौंफ खाने के बेहतरीन फायदों के बारे में। सबसे पहले, मुंह की दुर्गंध रोकने में सहायक। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके मुंह से बदबू आती रहती है। उस बदबू को दूर करने के लिए अगर वो सौंफ की चाय बनाए और उसके तुरंत बाद उससे कुल्ला करें तो उनकी मुंह की बदबू दूर हो जाएगी। दूसरा, अगर आंखों की रोशनी बढ़ाना है तो रोजाना एक चम्मच सौंफ का सेवन करें और अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाएं। इसके बाद, सर्दी खांसी और जुकाम में सहायक। इस तरह की समस्या उत्पन्न होने पर आप सौंफ, इलायची, मुलेठी और अमलताश को पानी में डालकर उसे तब तक उबालें जब तक पानी आधा ना हो जाए और उसके बाद उसमें चीनी डालकर उस काढ़े का सेवन करें। इसके बाद है पथरी के लिए इसका उपयोग। सौंफ में या सौंफ की चाय में पथरी विरोधी तत्व होते हैं। नियमित सौंफ के सेवन से आपकी पथरी खत्म भी हो जाती है। पांचवा है, त्वचा में ग्लो लाने में। सौंफ खाने से खून साफ होता है जिससे स्किन का कलर साफ होता है और इससे चेहरे पर ग्लो आता है। छठवा है, दिल के रोगों में राहत पाएं। सौंफ में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो दिल के रोगों में बहुत लाभदायक होते हैं। सातवा, वजन कम करने में सहायक। सौंफ शरीर से सेलुलाइट को कम करती है जिससे भूख नियंत्रित होती है, जिससे वजन भी अपने आप कम हो जाता है। आठवा है, गठिया दर्द में सहायक। सौंफ में गठिया रोग को खत्म करने के गुण मौजूद होते हैं जिसके कारण गठिया रोग से मुक्ति पाई जा सकती है। नौवा, याददाश्त तेज करता है। रोजाना भोजन के बाद सौंफ को बादाम और मिश्री में बराबर बराबर भागों में पीसकर खाने से याददाश्त भी तेज होती है। तो अगर आपको भी चीजें भूलने की बीमारी है तो इस नुस्खे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दसवा है, खट्टी डकारों से राहत पाएं। यदि आपको खट्टी डकारें आती हैं तो सुबह खाली पेट सौंफ खाने से आपको बहुत आराम मिलेगा। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें और कैसी लगी ये जानकारी हमें भी कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलेंगे इसी तरह की कुछ स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाजत, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।